कि अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। अबे वे पेला की बात नहीं, अरे मारा मनड़ा बदल गया दिनड़ा। दिनड़ा किस तरह बदलिया? पहली री माता में अली माता में कई फर्क कि गौ माता की कदर बिगड़ गई, ये जीव तेरी खाल उदड़ गई, जीव तेरी खाल उदड़ गई। पहली लुगाया घर में गाया पारती, लुगाया घर में गाया पारती तो गाया रो गोबर में लक्ष्मी रो वास वे तो कई वे तो लक्ष्मी रो वास। तो गाया रो गोबर और पीली मलाई आंगन लीपती, आंगन ने कहती चोखो, मतलब चोखो लीपती तो घर में चोखो ही चोखो वे तो। आजकल चोखा वो घर नहीं लीपे, आजकल तो रसोई नहीं भाई कहवे किचन, वहां किचन किच 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 जिंदगी भर बाहर नहीं निकला। पहली पहली ने लुगाया पहली रोटी बनाती और गौ माता ने खवाती। अबे कौन कौन खवावे देखा हाथ ऊपर कर जो छे हाथ ऊपर भैया। पहली ने लुगाया नहीं, लुगाया ना खाली आपने नहीं यो काम लुगाया रो आपनो काम नहीं, आप तो कमावा वाला हुआ। एक घर को स्वर्ग बनाती है उस घर की औरतें और उस घर को नर्क बनाती है घर की औरतें। इसलिए मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, माता बहनों से निवेदन है, लुगाया अगर पहली रोटी गाय ने खवावे तो वही घर में कभी अंधनरा भंडार नहीं खुटे। मगर जमानो चेंज है, लाइसी रोटी कुत्ता ने खवावे वही घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुए। मगर जमानो चेंज है, आजकल पहली रोटी जो गाय रा पाती रही वह तो खुदरा घर वाला ने आई जाओ पिंडरो बाबा खाई लो। अब गाय री पाती रही जो गाय री रोटी ही वह पामना ने खवाई मन का ने खवाई जो आदमी सब गाया बन गया देख लो। और लाइसी रोटी जो कुत्ता रा पाती रही वह लुगाया खुद खाएगी। हाँ इसलिए आपसे निवेदन है माता बहनों से, पहली रोटी गाय को खिलाना, लाश की रोटी कुत्ते को देना, उस घर में अन धन लक्ष्मी के भंडार कभी नहीं खुटेंगे। आपसे निवेदन है ये आज से नियम शुरू कर लेना, सत्संग में आए हो। दुलाराम जी ने लिखा हो गौ माता री कदर बिगड़ गई, माता री कदर बिगड़ गई, ये जीव तेरी खाल उदड़ गई, जीव तेरी खाल उदड़ गई, ये सावन सुख सुख हो जावे, सावन सुख सुख हो जावे, ये हावन हुको हुको जावे, अबे बे मौसम बरसात गड़ी, अरे मारा मन रहा बदल गया दिनड़ा, आपे लागी बात नहीं, अरे मारा मन रहा बदल गया दिनड़ा। लिए समय की नजाकत को देखते हुए ऑर्गन वोर्गन थोड़ा कम बजवा रहा हूं, जल्दी गा रहा हूं। दूसरी लाइन हो या पीतल झुगड़ी पर छाई, या पीतल झुगड़ी पर छाई, ए मा जाया इको कमरे में दो, मा जाया बोले नहीं भाई, रावण क्यों आ रहा, रावण देखिए सत्संग हो रही है भैया। हेलो ओ राजा साहब दो मिनट, सत्संग हो रही है, यही सत्संग, इसी इसी को सत्संग कहते हैं। रात भर नाचना उसको सत्संग नहीं कहते, सत्संग उसे कहते हैं ज्ञान की बात हो गए। जैसे यहाँ पर भागवत हुई तो जिन्होंने भी साधु जी ने भागवत करी, इन्होंने करी तो ज्ञान बांटा, सत्संग में ज्ञान बढ़ता है। भाई रात भर मुँह तो नचे बोल जाऊं कहीं फर्क नहीं पड़े, मगर सत्संग में आओ कुछ ज्ञान की चीज ले जाओ। रावण क्यों हारा था? क्योंकि रावण का भाई विभीषण रावण के साथ नहीं था। राम जी क्यों जीते? क्योंकि राम जी का भाई लक्ष्मण हमेशा राम जी के साथ था। मित्रा मित्रों बैठना भाइयों का चाहे वैर हो, बैठना भाइयों का चाहे वैर हो, चलना सड़क का चाहे फेर हो। जिस घर में भाई संप से रहते हैं ना उस घर पे किसी की औकात नहीं होती देखने की। मगर आजकल जमाना चेंज है, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं। एक
एक भाई अगर हाउ पैसा वालों में, एक भाई पैसा वालों में, तो दूजो भाई मंदिर में जाइन गई, हे मारी भटियाणी माता, मारा भाई रेत्रो मोटो बंगलो क्यों है, मारा भाई रेत्री मोटी स्कॉर्पियो क्यों है, मारो भाई इतरो सुंदर क्यों है, हे मारी माँ आप रमे चमत्कार वे, तो मने भी मारो भाई जशो कर, या मारा भाई ने मारा जशो, लेवल लेवल यो जमानो है। नहीं मित्रों, धन दौलत के कारण भाइयों से मत लड़ना, मैं बस एक छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर समझ सको तो समझ लेना, एक छोटी सी बात सुनना ध्यान से, दो मिनट की बात। दो भाई समुद्र के तीर पे घूमने गए, अगर किसी के घर में भाई है तो सुनना, माता बहनों से निवेदन दो मिनट हो। दो भाई समुद्र के तीर पे घूमने गए, तो छोटे भाई ने कुछ बदमाशी करी, मस्ती करी, तो बड़े भाई ने दो खींच के थप्पड़ लगाए, दो तमाचे लगाए, तो छोटे भाई ने रेत के ऊपर जाके लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे दो थप्पड़ मारे। 7-8 दिन बाद वो बात तो भूल गए, दोनों भाई समुद्र के तीर पे वापस घूमने गए, तो छोटा भाई पानी में कूदा, वो डूबने लगा, तो बड़े भाई ने पानी में कूद के उसके प्राण बचाए, तो छोटे भाई ने पत्थर के ऊपर खोद के लिखा कि आज मेरे बड़े भाई ने मुझे बचाया। बड़े भाई साहब ने कहा, यार मैंने तेरे को दो थप्पड़ लगाए तो तूने रेत के ऊपर लिखा, आज मैंने तेरे को बचाया तूने पत्थर पे क्यों लिखा? उस समझदार भाई ने कहा कि भाई साहब आपने मुझे मारा ना, थप्पड़ लगाए, तो मेरे मन में बुरी भावना आई, बदले की भावना आई कि मेरे भाई साहब ने मुझे मारा कैसे, तो मैंने रेत के ऊपर लिखा कि मेरे भाई ने मुझे मारा। रेत के ऊपर लिखा हुआ ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में मिट जाएगा, मैं भूल जाऊंगा, मगर आज आपने मेरे प्राण बचाए, ये मुझे जिंदगी भर याद रखना है, इसलिए मैंने पत्थर के ऊपर खोद के लिखा। यहां पर जितने बैठे हो, मुझे अगली बार बुलाओ या ना बुलाओ, मगर जो भाई हैं आपस में कभी मत लड़ना, धन दौलत के लिए तो बिल्कुल मत लड़ना, हाँ लड़ना मैं कहता हूं लड़ना, मगर किसके लिए? माँ बाप के लिए लड़ना कि माँ बाप की सेवा मैं करूंगा, माँ बाप की सेवा मैं करूंगा, तू नहीं करेगा मैं करूंगा, तो मजा आएगा, दुनिया कहेगी वाह भाई वाह, क्या भाई है यार, माँ बाप के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए भाइयों से निवेदन है, कभी झगड़ा मत करना धन दौलत के लिए। तो तुलाराम जी ने लिखा, या पीतल झुकड़ी परछाई, अरे मजाया बोले नहीं भाई, अरे बेटे बाप ने आंख दिखावे, अरे बेटे बाप ने आंख दिखावे, अबे बात सरवण, अरे सरवण सी संतान नहीं, अरे मारा मन रहा बदल गया दिन ला, भाखेला की बात नहीं, अरे मारा मन रहा बदल गया दिन ला, तीसरी बात दुलाराम जी माता बहनारा वैसे लिखी, आप वैसे मैं नहीं लिखियो, कोई नाराज हो मती मा, मा दुलाराम जी कहीं लिखियो के सतवंती नहीं रही रे लुगाया, सतवंती नहीं, रेखा जी से निवेदन है, भजन बहुत अच्छा गाया, ऐसे कैसे जा रहे हो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, भजन अच्छा गाया आपने, हाँ वो भजन खैर वो उन्होंने सुना नहीं हो तो कोई बात नहीं, पर थोड़ी देर बैठ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं जाते हमको छोड़ के, हम चले जाएंगे हमारे घर, फिर आप भी चले जाना। अरे सतवंती नहीं रही रे लुगाया, सतवंती एक नारी भी जनरल नाम हो सती अनुसुईया हुनियो, माता बहना हुनियो, माता बहना नींद नहीं उठ रही, माता बहना सतवंती रो नाम हुनियो, तो सतवंती बड़ी नारी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने छोटा छोटा छे छे महीने का बालक कर दिया, सती अनुसुईया 6-6 महीनों के बालक, और किए किस प्रकार, उन्होंने सिर्फ अपने पति को परमेश्वर माना। मगर आजकल कई लिखियो के सतवंती नहीं रही रे लुगाया, पहले दा जमाना में लुगाया हाउजी होराजी बेटा रहता तो घूंघट काट दी इतरो लंबो, हबक हबक हा लेती तो घूंटो फड़क फड़क कर दो, जो जमानो चेंज, घूंटो थोड़ो ऊंचो गयो, फिर जमानो चेंज, फिर घूंटो थोड़ो ऊपर आयो, फिर जमानो चेंज, घूंघट थोड़ो ऊपर आयो, आजकल तो जमानो ऐसो आयो हाउजी होराजी बेटा वे तो विंदनी राही वे नंबर 8 शबाक,
हाउजी विंदनी ने क्यों मैं ओ विंदनी कम कम मर्यादा रखो घूंघट निकालो थोड़ो घो संपट राखो वा विंदनी ऊपर तो किन के पड़ी लगी आखिर सासू मां समझते नहीं हो मैं डव का शैम्पू लगाती हूँ मैं डव का कंडीशनर करती हूँ मैं लोरियल का कलर लगाती हूँ मैं अलमंड तेल डालती हूँ केश कीमती बाल दुनिया को नजर आना चाहिए भली माता में जुआ कलबल कलबल करती हो कुछ भी बोलते हो कुछ भी बोलना पड़ता है पतिव्रता नार करने के जत्रो मु आपरा वैसे कह रहू अणियो ज्यादा पढ़ाई मु दूसरा भजन में करू पतिव्रता नार करने के जो अपनो पति रो थूक के लोगो नहीं अड़ांगे अगर पति थूक देता है ना उसको लांग के नहीं जाती है उसको पतिव्रता नार कहते हैं मगर आजकल तो पतिव्रता नार थूक क्यों कहीं अड़ांगे वो पति खुद हो जाते अड़ांगे प्रजा आप सब हाउ हो वा आप बढ़िया हो ये असी बात है मन मेवाड़ में वा पटी ने मेवाड़ में राजस्थान में है ही नहीं है तो कहते कर्नाटक में महिलाओं से नहीं बदले सिर्फ अपने पति को परमेश्वर माने आपके सभी व्रत सफल हो जाएंगे आप भूखे न मरो तो भी चलेगा अपने पति की कदर करना क्योंकि तुलाराम जी ने लिखा कि सतवंती नहीं रही रे लुगाया अरे बात करे घूंघट ने उठाया अरे बहू सास ने गाया काटे अरे भिंगनी हौच ने गाया काटे अरे वहा घूंघट मां बात नहीं अरे मारा मंदिरा जिसको भजन अच्छा लग रहा है वो ताली बजाओ देखे किस किस को अच्छा लग रहा है अरे अरे मारा मन रहा बदल गलिना आपे लागी बात नहीं अरे मारा मन रहा बदल गलिना गया साची अरे हिणकड़ उमरी पोती बाची अरे घमंड करो मत कहाया काची अरे सर पर हाथ गुरु देवरो सर पर हाथ मारी भटियाणी मारो सर पे हाथ मारा बाला जीरो पछे दुश्मन री ओ कात नहीं अरे मारा मन रहा बदल गया बिगड़ा बदल गया बिगड़ा अब हिलाती बात नहीं अरे मारा मन रहा बदल गया बिगड़ा अब हिलाती बात नहीं वो चीज हो शांति हो शांति शांति शांति